महात्मा जी टेक्निकल की एक और स्ट्रैटेजी वीडियो में हमारे साथ संजय सर है कैसे सर बहुत बढ़िया अमरीश जी मजा आ गया आज आपने बुलाया है इसलिए बुलाया है क्योंकि पॉडकास्ट में इतने सारे डिमांड थी लोगों की कि भाई कुछ अलग स्ट्रैटेजी चाहिए अब मेरे को जो जी. आपने ऑप्शन सेलिंग की बताई तो सबसे पहले ना लोगों की रहती है प्रॉफिट तुम्हारे लिए सर प्रॉफिट दिखाया अदरवाइज सब दिखाए बोल रहे हैं यार स्ट्रैटेजी देना कहा सर हमारी जनता पहले चाहती है तो ये देख लो भैया यहाँ पे ज्यादातर तुम्हें ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बॉक्सेस दिखेंगे और डार्क वाले ज्यादा है न और रेड तो बिल्कुल ना के बराबर ही कि जादा जादा, है, है मंथ तो, में ज़्यादा ज़्यादा से मैक्सिमम या फर्स्ट जून टू हम जून 2024 में है तो मैंने सोचा मई तक का आपको दिखा देता हूं तो सर ने अब तक प्रॉफिट बनाया इसमें चार्जेस थर्टी फाइव थाउजेंड दिए ऑलमोस्ट वन परसेंट लिटल अब और उसके टोटल नेट प्रॉफिट सर के पास आया ट्वेंटी बोल के क्या करूंगा यार सामने वाले हैं तो सर ये जो नंबर्स आपने बनाए हैं ये नंबर है ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन सेलिंग से सबसे पहली बात अगर 2000 3000 से कैपिटल लेके हो तो देखना बंद कर दो माइंड सेट है अगर माइंडसेट में है कि यार मैं पहले कुछ कमा लेता हूँ एक लाख रुपए डेढ़ लाख रुपए, दो लाख रुपए रख लेता हूँ बिल्कुल उससे मैं महीने के दो तीन परसेंट सर बनाना चाहता हूँ साल के बीस बाईस परसेंट ठीक है जी। जो कि ऑप्शन बायर भी नहीं बना पाता है मिल लो इसलिए तुम सबका पीएनएल मांगते रहते मांगते प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ सबको पता है पहले से बना, बना कई वीडियो देखी हुई है और सर ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनाते हैं सर स्ट्रेटेजी हमें भी बताइए थोड़ा ठीक है तो इसको ना पहले हम स्टार्ट करते हैं मानसिकता से स्टार्ट करते हैं जस्ट एक फाइव मिनट्स की मैं थोड़ा मानसिकता बिल्ड करना जी मैं जब मार्केट्स में आया तो मैं भी एक आम

आपके सेट ट्रेड सेटअप्स हो कि रोज सुबह सवा नौ उठ के उठूंगा, पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरे महीने में तीन ट्रेड सेटअप में बहुत जबरदस्त आपके इंडिकेटर्स मैच कर गए हिस्टोरिकली कर रहा हो तो तेरे चांस टू मेक मनी पर उसके लिए पहले बहुत सीखना पड़ेगा ब्रूसली बनने के लिए पहले ब्रूसली को बहुत दस पंद्रह साल की एफर्ट लगती है ठीक है अभी मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं मोहम्मद अली करके एक बॉक्सर थे ठीक है उन्होंने पूरी जिंदगी में अगर समझे सौ मैच खेले या दो सौ मैच खेले तो कुल मिला के मुश्किल से दो हजार मिनट वो रिंग के अंदर रहे ठीक है दो हजार मिनट वो रिंग के अंदर रहे दो हजार मिनट मतलब कितने थर्टी आवर्स वो रिंग के अंदर रहे पर उस रिंग में जीतने के लिए उन्होंने बाहर हर रोज ग्यारह ग्यारह बारह बारह घंटे मेहनत करी है यही जो है वो उस बोल्ट उन्होंने पूरी जिंदगी में वो तो 45 सेकंड में भाग के गेम खत्म कर देते हैं अगर उन्होंने पूरी जिंदगी में तीन बार भी भागे हैं तो पैंतालीस सेकंड यानी कि तीन मिनट भागे हैं पूरा मिला के पूरी <laughs> जिंदगी में पर उसके लिए उन्होंने पूरी पीछे जिंदगी अपनी इन्वेस्ट कर दी सुबह से लेकर शाम तक ग्यारह ग्यारह घंटे काम किया तो अगर आपको भी अनरिजनेबल प्रॉफिट कमाने हैं ना तो उससे हंड्रेड एक ज्यादा मेहनत आपको उससे पहले करनी पड़ती है तो इसलिए हमारे यहां कहावत है कि भाई जितना आप प्रैक्टिस में पसीना बहोगे उतना आप मैदान में कम खून बहाोगे तो ये खून है लाल तो हम प्रैक्टिस में जब टाइम ज्यादा बिताते हैं तो हमारा खून कम बहता है तो ये मैं बताना चाहता था तो एक्टिव ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं वो भी चौंतीस सौ रुपया पर पर्सन प्रॉफिट बनता है साल का ये मैं नहीं करा। सभी की रिपोर्ट जाके पढ़ लो ठीक है तो ये जो गेम है ना एक हाई कैपिटल गेम है जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है अमरीश जी

तो मैंने करीबन करीबन औसतन स्टार्ट किया हुआ तीस लाख से फिर पचास लाख फिर सत्तर लाख फिर एक करोड़ तो औसतन सिक्सटी टू सेवेंटी लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया था ठीक है तो पहले इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए वो मैंने सोलह अठारह साल नौकरी करके जमा करके पैसा इकट्ठा किया तो यानी कि मेरा रिटर्न जो था वो करीबन फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट रहा है इस साल में हो सकता है अगला साल मेरे को नहीं पता कैसा निकलेगा पर इस साल में मैंने फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट रिटर्न बनाया है पर मेरी अपेक्षा अगर आप पूछोगे संजय जी आपकी अपेक्षा कितनी होती है तो मेरी अपेक्षा होती है एफडी का तीन गुना अगर एफडी डी सात परसेंट है तो इक्कीस परसेंट बस उससे ज्यादा मैं अपेक्षा नहीं रखता ये ऊपर वाले की कृपा है क्योंकि मैं मार्केट में बहुत टाइम से हूं मैं प्रैक्टिस करता हूं अध्ययन करता हूं तो हो सकता है तो इसमें मैंने फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट का रिटर्न बनाया इस पर्टिकुलर ईयर में जब हम जुलाई जून से लेकर मई तक देखते हैं अब आता हूं मैं स्ट्रैटेजी पे ठीक है बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है उसमें हमें पता चलता है कि भाई आपको पहले ये देखना है आर एस आई ये हो गई तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो हो पहली चीज मैं इंडेक्स ऑप्शंस नहीं करता अगर आपको okay. इंडेक्स ऑप्शंस दिखते हैं तो वो सिर्फ मस्ती के दिखेंगे कि भाई बैंक निफ्टी 180, 360, hmm. थोड़ा बहुत ही आपको मस्ती के दिख जाएंगे ठीक hmm. है पर अगर मेरी आप, आप असली मैं सिर्फ स्टॉक्स मेजरली अगर आप देखो अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं टीसीएस हजार क्वांटिटी एक लॉट एक सौ पिछहत्तर का होता है बीस क्वांटिटी बीस क्वांटिटी बीस लॉट्स pcs 2800 ये देखो सिर्फ tcs दिख रहा है भाई आपको यहां पे फिर आगे पेजेस पे जाऊंगा तो भी tcs तीसरे पेज पे जाऊंगा sbi कार्ड्स ये सब आपको स्टॉक्स दिखेंगे यहां पे सिर्फ स्टॉक्स दिखेंगे ठीक है reliance reliance again ऐसे करते-करते हम जाएंगे ये फिर b से बैंक निफ्टी आ गया infosys ठीक है hdfc bank तो सिर्फ स्टॉक्स मतलब 99% स्टॉक्स बैंक निफ्टी मस्ती के लिए था वो भी मैंने बंद कर दिया मैं ज्यादा नहीं करता okay. तो ये बेसिकली मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट ये करता हूं स्टॉक ऑप्शंस खेलता हूं अब स्टॉक में स्टॉक ऑप्शंस उन स्टॉक्स पे खेलता हूं जो डायनासोर है okay. जो हिलते नहीं। चिप जो... सुपर, नहीं, अल्ट्रा लार्ज कैप okay. इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है रिलायंस तो उस पे करता हूँ सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है और टीसीएस तो उस उसपे करता हूं इन्फोसिस उस पर करता हूं यूनिलिवर पे थोड़ा बहुत कर लेता हूं एस बी पे कर लेता हूँ फिर मैं कुछ रिसर्च करता हूं स्टॉक्स जिनमें मुझे पता होता है कि भाई इसमें से इतने इससे ज्यादा ये हिलते नहीं है मेरा फंडामेंटल बहुत सिंपल है मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है जी। ठीक है देखो आज रिलायंस उनतीस ठीक है ये रिलायंस का स्पॉट चल रहा है अब एक कॉल ऑप्शन बायर क्या चाहेगा कि मैं इसका कॉल खरीद लू तीन हजार रुपए पे और भगवान करेंगे पहुंच तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा यही है पर इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती अगर आप सेंसिबल सेंसिबल पे पे जाओ और पे जाके आज रिलायंस का एट द मनी कॉल खरीदोगे आज एट द मनी तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 33 आएगा तो अगर आपका एज अर थर्टी थ्री परसेंट है तो बाकी 67 सेलर।, किसका है? सेलर का है। तो मेरा 67 आ जाए। तीन बार में, एक बार आप जीतोगे दो बार मैं जीतूंगा तो इसीलिए मुझे कभी भी वन साइडेड अप्रोच नहीं पसंद आती तो मैं इसको इस तरह से बताता हूं कि भाई कोहली मैच में पचास रन से ज्यादा बनाएगा वर्सेस कोहली मैच में बीस रन से लेकर अस्सी रन बनाएगा इन दोनों इवेंट्स में से कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो बस ठीक है यही है तो मेरे लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ज्यादा जीतू ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं ज्यादा बार जीतू ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये मेरी ब्रॉड थॉट प्रोसेस है स्ट्रेटेजी को लेकर अब मैं क्या करता हूं मैं वो कंपनियां ढूंढता हूं जो ज्यादा हिलती नहीं है अब उनमें क्या आती है उनमें आते हैं जैसे रिलायंस हो गई उनमें हो गई टीसीएस उनमें हो गई इन्फोसिस उनमें हो गई जैसे यूनिलीवर आपको पता है यूनिलीवर का स्टॉक पिछले तीन साल से तीन साल से तेईस सौ से लेके सताइस सौ के बीच में तीन साल से ऑलमोस्ट आठ परसेंट के बीच में बीच में घूम रहा है तो यानि ये हिल रहा नहीं है ना अच्छा इन सब में क्या होता है, है, है।, पांच -पांच पैसे, दस -दस पैसे है। ठीक है पर कोई एक आज एक सट्टा खेलता हूं मैं कहता हूं कि ये तीन हजार दो सौ हो जाएगा रिलायंस महीने भर में तो मैं तीन हजार दो सौ का कॉल खरीद लेता हूं ठीक है एक तरफ है सुरेश सुरेश कह रहा है रिलायंस ना छब्बीस से भी नीचे चला जाएगा तो ये भाई जो है ये इसका कॉल खरीद रहा है और ये भाई जो है ये इसका पुट खरीद रहा है ठीक है क्यों खरीद रहा है क्योंकि इसको दिख रहा है कि कॉल तो मेरे को दस रुपए में मिल रहा है दो सौ पचास का लॉट है तो यानी मेरे को कितने पैसे लगेंगे ढाई हजार यार इस एनालिसिस में कोई रीजनिंग ही नहीं है कोई थॉट ही नहीं है तो यह क्या हुई प्लेन सिंपल लॉटरी की टिकट ठीक है अब ये भाई भी सेम बैठा है यहां पे ये भी कह पर दस रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं ढाई सौ का लॉट है तो मैं भी पच्चीस क्यूं? कोई एनालिसिस है नहीं भाई लॉटरी की टिकट खरीद रहा है तो रमेश और सुरेश दोनों लॉटरी की टिकट खरीदने बैठे हैं अब इनको लॉटरी की टिकट मैं बेच रहा हूं कि भाई तुम्हें लॉटरी की टिकट चाहिए ना क्योंकि मुझे पता है कि पिछले सिक्सटी मंथस में ऐसा शायद दस या बारह बार हुआ होगा कि रिलायंस एक तरफ दस परसेंट या उससे ज्यादा गया ठीक है तो मैं तो ट्वेंटी परसेंट टाइम हारूंगा एट्टी परसेंट टाइम जीतूंगा और जो ट्वेंटी हारूंगा उसमें रखूंगा, तो ये दाए दाए मुझे मिल रहे हैं, और ये भी मुझे कॉल बेच रहा हूं इसको पुट बेच रहा हूं तो मेरे को मिल गए पांच हजार रुपए मेरी लागत कितनी लगी क्योंकि मैं बेच रहा हूं तो स्टॉक एक्सचेंज कहता है वो मार्जिन रखना पड़ेगा मेरा मार्जिन होता है मोटा मोटी एक लाख रुपया

डाउन होता रहेगा रहे रहे हो है। हो तो अब मैं आपको ना मजेदार बात बताता हूँ आज रिलायंस का मार्केट कैप कितना है सबसे बड़ी कंपनी है बीस लाख करोड़ अमरीश जी 10 अगर मार्केट ऊपर रिलायंस गया ना एक महीने में तो यानी दो लाख करोड़ मार्केट कैप में एड हो जाएगा मुझे आप बताओ ऐसा क्या हो जाएगा रिलायंस में अगले एक महीने में मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ हो सकता है।, क्योंकि इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी है, है आप उसके प्राइस देख लेना आप शॉक्ट हो जाओगे तो यहां हो गया अब मैंने एक लाख लगाया पांच हजार रुपये में बना लूंगा अब मेरे को क्या चाहिए कि बस एक ही चीज हो कि उन्तीसौ और छब्बीस और बत्तीसौ के बीच में खेलता रहे कभी उनतीस अट्ठाईस हो जाए कभी उन सौ का साढ़े उनते सौ हो जाए बस ये होता रहे और मैं बैठ के डिके जिसे हम कहते हैं थीटा जिसे हम कहते हैं वो मैं खाता रहा हूं अब इस तरीके से मैं पांच परसेंट बना लेता हूं महीने के ठीक है कभी ये पांच नहीं होता कभी ये चार होता है कभी ये चार नहीं होता कभी तीन होता है कभी यह आठ भी होता है जब आपके वॉलीटिलिटी uh, uh, थोड़ी बड़ी होती है तो आठ भी मिल जाता है आपको तो मेरा क्या होता है कोई महीना मैं चार परसेंट बना लूंगा कोई महीना मैं पांच परसेंट बना लूंगा कोई महीना मैं तीन परसेंट बना लूंगा और कोई महीना मैं माइनस टू या माइनस थ्री परसेंट पे निकल जाऊंगा

मार्केट का पता नहीं कल सुबह उठे और प्रमोटर को कुछ गया। हो गया तो गैप अप हो गया तो गैप डाउन हो गया तो पहला क्वेश्चन है मुझसे मत पूछो बैक टेस्ट करो कि कितनी बार ये हुआ है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है ठीक है ऐसे करो, ऐसे करो आप सोचने लग गए तो कुछ भी सोच सकते हो आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी खुलेगा और कल के कल इक्यावन हजार से जीरो हो जाएगा अब वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है ठीक है अब रिलायंस अचानक से खुलेगा और दस नीचे गिर जाएगा एक दिन में वो सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट के दिन हुआ और मैं बार बार लोगों को कह रहा था कि भाई इलेक्शन के टाइम में एक भी ओपन पोजिशन नहीं रखूंगा क्योंकि उसमें एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी होती है मैंने नहीं रखी थी मोदी जी नाइन्थ को इन स्वयडिंग टेंथ को मैंने पोजिशन बिल्ड करी उसके बाद मैंने पैसा कमा लिया दो लाख रुपए ऑलरेडी कमा चुका हूं इस महीने में अच्छा। तो मुद्दा क्या है कि मुझे पता है कि कम खेलना भी नहीं है ये क्या है ना लोग है ना चूहे बन गए क्या होता है चूहा जाएगा छोटा कुटकुर करके आ जाएगा फिर जाएगा कुरकुर कुरकुरकुर करके आ जाएगा फिर कुरकुर करके जाएगा फिर चौथे दिन जाएगा और जाले में फंस जाएगा शेर क्या करता है महीने में एक बार शिकार करेगा शांति से पोजीशन लेके एक बार हिरन को दबोचेगा घर लेके जाएगा और वो और उसकी बीवी पूरा महीना उस हिरन को खाएंगे तो अब आप डिसाइड कर लो आप चूहा बनना चाहते हो या आप शेर बनना चाहते हो क्योंकि चूहा तो आप किसी दिन तो उसके चक्कर में फंसने वाले हो किसी दिन वो बड़ी कैंडल कर देगा आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा और अचानक से वापस आ जाएगा ये आपने भी देखा है आप तो इतने ट्रेडर्स से मिलते हो मैं तो बहुत कम ट्रेडर्स से मिला हूं मैं तो अपनी छोटी मोटी इंटेलिजेंस यूज कर रहा हूं पर आप इतने ट्रेडर्स से मिलते हो आप देखते हो अचानक से कैंडल इतनी गिर गई तो भाई ने स्टॉप लॉस यहां लगाया हुआ था

कोई प्रॉब्लम नहीं आप स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कर लो और उसे आयरन कॉन्डोर में कंप्लीट डाल दो तो आयरन कॉन्डोर में क्या होगा कि यही आपने क्या किया पे आप खड़े हो बत्तीस का आपने कॉल बेच दिया छब्बीस का आपने पुट बेच दिया पर अचानक से जब मार्केट नीचे जाए अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने 2500 या 2400 का यहां पे पुट खरीद लिया और यहां पे आपने 3400 का कॉल खरीद लिया क्योंकि क्या होगा अचानक से समझो मार्केट उनतीसो से इकतीस हो गई आपके लॉजिक के हिसाब से तो बत्तीस में तो आपको नुकसान हो रहा होगा में आपको प्रॉफिट हो जाएगा Correct. ठीक है या फिर वैसा वर्षा यहां पे अचानक से उनतीसौ से सत्ताईस हो गई तो ये वाले में तो नुकसान हो जाएगा पर ये वाले में आपको फायदा हो जाएगा hmm. तो आप बैलेंस हो जाओगे इसे हम कहते हैं आयरन कॉर्डोर आयरन कॉन्डोर हो गया मतलब लोहे की दीवार तो आपने लोहे की दीवार बना दी यहां पे कि अब इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा मंथ एंड की एक्सपायरी है सारी बिल्कुल आराम से बैठो चार बिल्कुल गल जाओ गलने दो गलने आपको क्यों छेड़खानी करनी है हाँ, जैसे ही आप ये करोगे, तो अगर आपका चार परसेंट रिटर्न बनता था तो अब वो रिटर्न आपका बन जाएगा तीन से लेकर सवा तीन परसेंट पर आपने इंश्योरेंस खरीद ली ना आपने एक तरीके से इंश्योरेंस खरीद ली तो ये जो पचहत्तर पैसे का नुकसान हुआ है आपका रिटर्न में वो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है आप समझ लो आपने मार्केट को प्रीमियम दे दिया अपने आपको सुपर सिक्योर करने के लिए तो ये मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी है यही करता हूं मैं और पांच या छह स्टॉक्स में करता हूं रिलायंस टीसीएस इन्फोसिस Uh, कभी कभी से बाहर हो गया, तो गया। okay. क्यों क्योंकि उनका मर्जर, हुआ है, तो मर्जर को अभी एक साल ढूंढा हुआ उसके बाद यूनिलीवर हो गया मारुति हो गया नहीं हिलते भाई मारुति नौ से दस हजार पहुंचने में उसको साढ़े तीन साल लगे अब नौ से दस हजार पहुंचने में साढ़े तीन साल लगे दस से बारह हजार अभी पहुंचा तो बारह से सोलह हजार थोड़ी पहुंच जाएगा बारह से साढ़े तेरह बारह से साढ़े दस तो इसको हम करते हैं अब आपके सामने में वो मेरी लाइव पोजिशन से दिखाता हूं जी और उसके बाद एक पोजिशन आपको जुलाई की लेके दिखाता हूं क्योंकि आज हम खड़े हैं पच्चीस जून को तो अब ये वाली एक्सपायरी तो सत्ताईस जून को मर रही है तो अभी कोई लेके फायदा नहीं मैं आपको जुलाई की दिखा देता हूं और एक मेरी लाइव पोजीशन दिखाता हूं ताकि आपको सेंस बन जाए कि मैं क्या कर रहा हूं तो ये मेरी ओपन पोजीशन ये मेरी लाइव ओपन पोजिशन है तो अब आप देखिए पंद्रह का कॉल इनफी का दो रुपए पैसे में बेचा था एक रुपए पैसे हो गया छह हजार सात सौ रुपए

इसमें दस है इसमें थोड़ी बढ़ गई ठीक है तो उसमें नुकसान हो गया पर मेरे को कोई टेंशन नहीं है मेरे को पता है 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 ये आराम से रिलायंस तो होना बहुत मुश्किल ठीक है, है, और हो रहा होगा तो मैं आई कार्ड दूंगा हजार कार्ड सौ ठीक है राउंड अबाउट थर्टी नाइन लॉट थर्टी नाइन लॉट एक रुपए पैतीस पैसे में बेचा था पंद्रह पैसे रह गया उसी का कॉल दो रुपए छियानवे पैसे में बेचा था पच्चीस पैसे रह गया था, ये मर जाएगा था कल मर जाएगा मैं कल खत्म कर दूंगा सारी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा टीसीएस ठीक है तो TCS का सात सौ का लॉट था जो मैंने बेचा और चार रुपए तीस पैसे में बेचा था ये भी खत्म हो गया ये भी हो गया क्यों रह क्योंकि मैंने आज ऑर्डर डाला हुआ था तो वो सौ पच्चीस में से इतने रह बाकी सब जो है, वो हो गया। तो ये बेसिकलीटी ना की वजह से कई बार ऑर्डर तो कोई फर्क नहीं पड़ता देखिये आज अगर टीसीएस अभी है अड़तीसो अड़तीस पे ठीक है तो अड़तीस सौ अड़तीस पे है और 3550 का पुट है तो परसों तक ये 3550 तो होगा नहीं और अगर ये 3550 की तरफ गाड़ी बढ़ गई तो वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी ठीक है तो अभी 20 पैसे में मेरा ऑर्डर कटा है देखो मैं आपको दिखा देता हूं 20 पैसे में मेरा छब्बीस खत्म हो गए तो ऐसा तो है नहीं कि लिक्विडिटी नहीं है बीस पैसे खत्म हो गया तो ये मेरा सिचुएशन बन गया आज मैंने रिलायंस की पुराने 27 जून की सारी पोजीशंस को क्लोज करके ये प्रॉफिट बुक कर लिया था आज का नेट प्रॉफिट अभी एक लाख इक्यानवे हजार चल रहा है

तो ये बत्तीसौ का मार दिया डन कर दे, Done. Okay. ये अब अब आपके सामने मेरी हो गई, एनालिसिस का पार्ट वन ये है कि आपका एक है। fund बन रहा है कितने दिन में तीस दिन में डॉट तीस दिन में ठीक है आपको थ्री पॉइंट सेवन परसेंट का रिटर्न बन रहा है अब यह आपका पे ऑफ ग्राफ होता है ठीक है इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो रेंज है ये देखो मजेदार बात मजेदार बात ये है कि ये ना वन दो, दो कम प्रोबेबिलिटी होती है कि दो स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर जो रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस निकालते हैं तो एक स्टैंडर्ड डिशन दो स्टैंडर्ड डिशन उसके बाद भी इतना बड़ा मेरे पास सिक्योरिटी है यहां से आते ही मेरे को लॉस चालू होगा और सिमिलर हाँ ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ये, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट है ये मेरा लॉस स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां पे भी सेम चीज है Correct. तो मैं दो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियन से भी ऊपर चल रहा हूं ठीक hmm. है है अब समरी ये कि अपने एक लगे hmm. तीन रुपए थ्री पॉइंट सेवन परसेंट बने और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज एटी सिक्स परसेंट यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right. अब इज चांस साढ़े तीन परसेंट का रिटर्न बनाऊंगा अब वही मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो ओपन है पोजीशन तो अब इसको हम आयरन कॉन्डोर में भी कन्वर्ट कर देते हैं और देखते हैं लॉस क्या होगा कितना हमारा रिटर्न टूटता है पर हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी ठीक है अब हम ऐड करेंगे पोजिशन गिरा एड और हम करेंगे थर्टी का हमने कॉल बेचा हुआ है हम थर्टी का कॉल या और भी अगर थर्टी का कॉल खरीद लेते हैं ठीक है जी खरीद लिया और अगर अभी हम ऊपर जाके 2400 अगर हमें अवेलेबल है इस टाइम पे पुट तो पुट बाय कर लेते हैं नहीं अवेलेबल है तो इस टाइम पे लिक्विडिटी नहीं है तो एक बार को मैं ये थोड़ा इलिक्विड का खरीद लेता ठीक है जी अब आपका आयरन कॉन्डोर मर गया आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वही रही मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब आप आपने आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर लिया आपका रिटर्न गिर के थ्री से वन आ गया अब जहां आप खड़े हो वहां से मोटा मोटी ग्यारह नीचे और दस टेन ऊपर आप सुरक्षित हो होटी डेज के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं तो तीस दिन में ऐसा पता नहीं क्या होगा जिस वजह से ये नंबर ब्रीच होंगे अब आप देखिए कि अगर आपके आपकी थीसिस सही निकलती है और अचानक से कल मार्केट रिलायंस दो परसेंट ऊपर चला जाता है तो अभी भी आप 1.8 परसेंट ही नेगेटिव हुए अचानक से अगर ये रिलायंस ढाई परसेंट नीचे चला हमने वो ढाई परसेंट ऊपर किया था डेज में कम करना होगा ना वो मैं नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि कल के कल हो जाता है कल बुधवार को ही हो जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ढाई तो परसेंट एक दिन का वेरिएशन भी झेल के आप प्रॉफिट में रहोगे और या फिर माइनर से लॉस में हो गए अब अचानक से ये समझो मंडे हो जाता है अगला मंडे ठीक है जी एक जुलाई हो गई तो अब, अब एक जुलाई में प्रॉफिट बढ़ गया अगर ये वापस सेम स्पॉट पर आ गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया ऊपर गया थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ पर अभी तक लॉस नहीं हुआ आपको ठीक है माइनर सा लॉस है पॉइंट फोर टू परसेंट का अगर आप साढ़े तीन परसेंट पैसा बनाने वाले हो तो हम स्टॉप लॉस एटलीस्ट चार पांच परसेंट का तो रखें बिकॉज इसमें पोजीशन में ऐसा नहीं होता आपका स्टॉप लॉस इमीजिए कट जाएगा ठीक है अब ये चलता रहा जैसे ही तीन दिन निकलेंगे आप देखना यहाँ क्या होगा हो गया प्रॉफिट करेक्ट और ऊपर जाओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत स्कोप है अभी बत्तीस तक का स्कोप है जाओ जाते रहोर और जाओ जाते रहो हम लोग अभी भी बचे हुए ठीक है अचानक से चार दिन निकल गए कम हो गया चार दिन और निकल गए आगे वापस प्रॉफिट तो में और एंड खत्म हुआ पूरे का पूरा प्रॉफिट आप रियलाइज कर लोगे तो बस ये है दिस इज द मैथ दो हजार दो सौ पच्चीस रुपए में बस सिर्फ आपका कैपिटल जो है वो 10X के करीब जाएगा हाँ जहाँ आप बाई कर रहे हो क्योंकि जितना आपने बाइंग किया है हाँ। वही पैसा सेलर को मिलता है मैं, <laughs> आ, आप लॉटरी खरीद रहे हो मैं लॉटरी बेच रहा हूँ भाई आपने आके आज रूले में क्या होता है रूले में कौन जीत रहा होता है जो टेबल पे घुमा रहा होता है गोली घुमा रहा होता है वही तो जीत रहा होता है वही जीतता है आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई 36 में से एक नंबर पे पैसा लगाऊंगा और वो नंबर आ जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन वन बाई थर्टी सिक्स है उसकी थर्टी फाइव बाई 36 बार में 35 बार तो वही जीतेगा तो इसीलिए ये सारी गेम्स जो है ऑप्शन बाइंग की या तो आप पहले तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो बहुत टाइम आपको सीखना पड़ेगा ठीक है और वो रोज नहीं कर सकते आप कोई प्रॉपर ट्रेड से जैसे एक थीसिस है जिसका नाम है गैन एबीसी आपने नाम सुना होगा एबीसी करके कर सकते हो पर उतने में भी लोग 30 -30 निकाल लेते हैं। तो ये जो गेम जो रोज चूहे की तरह कुतरना चाहते हैं ना कोई ये सोच रहा है कि मैं एक लाख रुपए लेके बैठूंगा और दिन का पांच हजार छह हजार कमा लूंगा नामुमकिन नामुमकिन है और एक और चीज बताता हूं एक दिन पांच कमाएगा ना वो उसी दिन दूसरा ट्रेड लेगा उसको Confidence मचेगी, confidence तलब मचेगी, तलब हाँ। क्या रिवा यार, ये तो फिर से खेल लेते? अभी बना अब और बना लेंगे फिर हजार दो हजार हो जाता है फिर रिवेंज ट्रेडिंग चालू हो जाती है ये सब नहीं करो आराम से पैसा है कि अगर आपके पास एक लाख रुपए भी है और कम रिस्क है ना ऑफ प्रॉफिट पे चल रहे हो आप इनी ग्रेट सर मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला इसमें जी. और आपने बहुत डिटेल में इतना कुछ समझाया डेफिनेटली सबको समझ आ गया होगा कि यार इंडेक्स में नहीं करना है क्योंकि हाई वॉलीटिलिटी आप हमेशा जो है सर ने बताया ब्लू चिप और उसमें भी बहुत जाए बैठे हुए हाँ। उसमें जाओ स्टॉक्स को ढूंढो जैसे

बैक टेस्ट करो फॉर द लास्ट थ्री इयर्स बैक टेस्ट करो Correct. आप पता करो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि अचानक से एक दिन में कितना मैक्सिमम मूवमेंट आया है मूवमेंट आ रहा है सब सब चेक करो कोई चक्कर ही नहीं और है और सिंपल है परसेंटेज आप इजीली चेक करिए यहां से हां रेंज बना का के आता ही है हां हर एक का चेक करिए एक बार कि कितना परसेंटेज कहां से कितना बन रहा है आपको दिखता रहेगा यार मतलब ऑलमोस्ट आप ये चेक कर सकते हो यार ट्रेडिंग में कि, कि हर एक मंथली कैंडल में कितना वेरिएशन और, और आप देखो मोस्ट ऑफ द कैंडल वेरिएशंस ना आपका बिनेंगी छह से आठ परसेंट पूरे महीने में तरेक्ट. तो विच इज ओके आपको फिर धीरे धीरे आप डिके खा रहे हो बेसिकली जो प्रॉब्लम बायर की है वो आपके लिए सोल्यूशन है तरेक्ट. स्पॉट प्राइस मुश्किल है अगर आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है मत रखिए बैक टेस्ट कीजिए प्रश्न मत करो बैक टेस्ट करो मैं तो सिंपल बोलता हूँ ये हो गया तो चेक कर लो कि भाई पिछले पांच सालों में ये हो गया तो इवेंट कितनी बार आया ठीक है कोविड का एक ब्लैक स्वान इवेंट था और अगर आप आयरन कॉन्डोर बना के रखते हो तो, तो आप ठीक है थोड़ा सा लॉस करोगे सबने नहीं किया स्ट्रैटेजी आपने बताई डेफिनेटली ऑडियंस को काफी मजा आ रहा होगा कमेंट्स करके बताओ कि सर की स्ट्रैटी कैसी लगी और सर को आगे भी देखना चाहते हो तो भर भर के कॉमेंट करो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू